गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट आज हम लोग करने वाले हैं भाई, जो आपका टेस्ट पेपर था PA1 का, उसका सॉल्यूशन, किन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स थे और किस वजह से आपके मार्क्स थोड़े से कम आए। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा, साथ में उसका रीज़न बताऊंगा, उसका आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बट आपके पास, द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें चार आपके पास क्वेश्चन गिवन थे कि वो रेशियो जिसमें पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं आर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इक्वल और बेस्ड ऑन डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार। भाई रजिस्ट्रार क्यों बताएगा आपको क्या रेशियो रहेगा, ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ना ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल होता है, और ना ही बेटा ये बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से आ गया, हमारे पास तो पार्टनरशिप एक्ट होता है, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। ये डिपेंड किस पर करता है, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना कि इक्वल। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर वो एब्सेंस है, एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट गिवन नहीं है, यानी कि दोनों पार्टनर एग्रीमेंट नहीं करते, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 1:1, और अगर एग्रीमेंट गिवन है तो जैसे भी एग्रीमेंट के अंदर गिवन होगा उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, लगभग सभी बच्चों का क्वेश्चन ये करेक्ट था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है बेटा, कितना परसेंट भाई, 6%। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज कितना, 6%। तो ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या था, रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो भी रिटर्न में वो क्या है, नॉट रिक्वायर, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, गलत बात है, ज़रूरत तो होती है। यूजलेस है पार्टनरशिप डीड, किसने कहा भाई यूजलेस है, बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। कंपलसरी है, ये भी किसने कहा भाई कंपलसरी है, कंपलसरी भी नहीं है। इसमें ऐसा लिखा है क्या, पार्टनरशिप डीड लिख रखा है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न, ये कंपलसरी नहीं है, ये एडवाइजेबल है, मीनिंग मीनिंग ये है कि जब आप अपने पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो आपको एडवाइस दी जाती है कि वो रिटर्न हो। आप चाहो तो ऑरल भी बना सकते हो, ऑरल भी अलाउड है, बट एडवाइस क्या दी जाती है, आप रिटर्न हो, क्योंकि रिटर्न आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस। तो सीधी सी बात है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज एडवाइजेबल, ना के कंपलसरी। तीसरा क्वेश्चन था, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है। अरे बेटा, ये हम क्वेश्चन 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है भाई, हमेशा अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है भाई, हमेशा अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। कोर्ट क्यों डिटरमाइंड करेगा भाई कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बेटा यहाँ पर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लियर है, पार्टनरशिप एक्ट ने पहले ही बता रखा है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी भाई, अनलिमिटेड होगी। कैसी होगी भाई, अनलिमिटेड, बशर्ते बशर्ते वो पार्टनर माइनर ना हो, माइनर पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर फाइव था, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, उसका जो बैलेंस है वो हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं भाई, अगर लोन प्रोवाइड किया जाता है तो लोन का जो बैलेंस है आप सबको पता है बेटा, वो एंड में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ना के बैलेंस शीट में। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड क्या कहलाती है बेटा, प्रोस्पेक्टस। अरे नहीं भाई, पार्टनरशिप में तो प्रोस्पेक्टस बनता ही नहीं है, ये तो भाई बाहर वालों को एडवाइस यानी कि इन्वॉल्व ही नहीं करते, नो प्रोस्पेक्टस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा ये कंपनीज को बनाना होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं भाई, ये कहलाता है भाई आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप के आर्टिकल्स हैं, जैसे कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही पार्टनरशिप के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन लिखा है भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल रेट 10%, एसेट्स दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है भाई। और आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। आई थिंक ये सबको निकालना आता है, इसका आंसर था नॉन ऑफ दीज। फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले हम क्या निकालना है इसके अंदर, नेट एसेट्स, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी को हम माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएगी। ये हम बोल सकते हैं नेट एसेट्स बोल लो, या फिर आप इसे कैपिटल भी बोल सकते हो, कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल कैसे आएगी भाई, 9,70,000, 40,000 घटा दो, 970 माइनस 40 तो 9,30,000 आपके पास क्या आ गई, नेट एसेट्स, जिसका नाम क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फिर आप क्या निकालोगे भाई, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म। जी जो भी लिखता है बेटा, सबके अलग अलग थोड़ा मेथड हो सकता है पर तरीका यही है, सबसे पहले नेट एसेट्स निकालेंगे, दूसरा जो ये प्रॉफिट दे रखा है इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। वो कैसे निकाला जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये कितना आ गया आपके पास, 7,20,000। अब कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट कैपिटल, बीच का गैप क्या होता है, गुडविल, जो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। सेवन क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट वर दिस। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट थ्री ईयर के प्रॉफिट दे रखे थे, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे 15,000, थ्री से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये 5,000, और गुडविल कितनी है भाई, गुडविल इज ट्वाइस टू, यानी कि गुडविल इज 10,000। बताओ बेटा कहाँ दिक्कत है इसके अंदर, पहले तीन साल का एवरेज, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लेना है, तीन से डिवाइड कर देना, एवरेज प्रॉफिट आ गया, इस एवरेज को टू से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, बोल रखा था एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग द एसेट्स ओवर द सेलेबल ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो एसेट्स है उस एसेट्स के ऊपर आप कुछ पैसा गेट करते हो, मीनिंग आपकी फर्म की एसेट्स थी 1,00,000, बट जब आपने बिजनेस बेचा, आपकी एसेट्स 1,00,000 की थी, बट जब आप बिजनेस बेचते हो तो आप बिजनेस वाले से मांगते हो भैया हमें चाहिए 3,00,000, आपकी एसेट्स ओनली 1,00,000 की थी, लेकिन बिजनेस बेचते समय आप कितना कहते हो उससे कि भैया मैं तो 3,00,000 लूँगा अपने बिजनेस का, भाई आपकी एसेट्स 1,00,000 की, पर आप बिजनेस के 3,00,000 मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई, आपने उससे कहा देख भैया मेरी एसेट्स तो 1,00,000 की है, लेकिन जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो मेरे बिजनेस का जो नाम है उसकी एडवांटेज तुम्हें मिलेगी और उसका तुम्हें फ़ायदा होगा, मैं उसके बदले भी 2,00,000 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो वही जो आप अपनी एसेट से एक्स्ट्रा पैसे मांगते हो अपने बिजनेस के, विच इज़ कॉल्ड गुडविल, आपकी फर्म का नाम, आपको मेरी फर्म का नाम 2,00,000 का है, मेरी एसेट्स तो हैं, उनके पैसे तो आप दोगे, प्लस मेरा जो नाम अब आपका नाम बन जाएगा उसके भी आप क्या दोगे, पैसे दोगे मेरे को, जो आप अपनी एसेट से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो, विच इज़ कॉल्ड गुडविल, तो आंसर इज गुडविल। क्वेश्चन नंबर 10, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा वो क्या होता है भाई, हमारा एक नॉमिनल है, नाम मात्र का अकाउंट होता है, सबको पता है ना, तो ये रियल है ना ये पर्सनल है, और सस्पेंस की तो यहाँ बात ही नहीं करते, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 30,000, एवरेज प्रॉफिट इज 40,000, पार्टनर्स रेमुनरेशन इज 4,000, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। बेटा जब भी एवरेज प्रॉफिट गिवन हो और आपके पास पार्टनर्स को हमने रेमुनरेशन दिया हो,
पार्टनर्स को हमने क्या दिया हुआ बेटा, रेमुनरेशन मिस होता पार्टनर्स को सैलरी, तो जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा बेटा आपके पास आफ्टर सैलरी, तो वो कितना होगा, केवल जब भी आपको कुछ एक्सपेंस दे रखे होंगे तो पहले आप उसे माइनस कर दोगे, तो आपके पास एक्चुअल में जो आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया वो सिर्फ कितना कमाया बेटा 36,000, वैसे आपने 40,000 एवरेज कमाया था, लेकिन 4,000 का आपको क्या देना पड़ा बेटा पार्टनर्स को रेमुनरेशन, ठीक है भाई। और नॉर्मल बिजनेस अगर कोई और होता तो नॉर्मली आप कितना प्रॉफिट कमाते बेटा, ये तो हुआ एवरेज, और नॉर्मल आप कितना कमा रहे हो भाई, नॉर्मल आप कमा रहे हो केवल 30,000, 30,000 रुपये, ठीक है भाई, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, नॉर्मल आप कितना कमा रहे हो बेटा केवल 30,000, तो एवरेज आपने कमाया 36,000, नॉर्मल है 30,000, 20 का गैप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट आप सभी जानते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल बराबर सुपर प्रॉफिट, यानी कि 6,000 हमारा क्या हो गया भाई, सुपर प्रॉफिट, तो ये हमारा आंसर था 6,000 विच इज़ करेक्ट। तो यानी कि आपको हमेशा याद रखना एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स के रेमुनरेशन को माइनस करना होगा, तभी आपका एक्चुअल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नॉर्मल रेट इज, बोल का व्हाट नॉर्मल रेट इज 10% एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी इज दिस, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर, देन नॉर्मल प्रॉफिट इज, अच्छा सॉरी, नॉर्मल रेट इज 10%, जो नॉर्मल रेट है वो 10% है, एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, चलो जी हम कैसे निकालेंगे भाई नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, नेट एसेट्स या बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि 50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, ठीक है, 50,000 का आपके पास क्या हो गया भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारे पास रेट कितना दे रखा है अभी नॉर्मल प्रॉफिट का 10% आपके पास क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, आप सभी को फॉर्मूला पता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, और कितना आंसर आया भाई इसका 5,000 रुपये, तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका 5,000 रुपये, बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट इज 10% था, नॉर्मल इसे वॉट काट दो बेटा, नॉर्मल रेट इज 10% था, एसेट्स और लायबिलिटी हमें पता थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट निकालना, 10% दे रखा नॉर्मल रेट, हो गया भाई 10%, अब आपको सर 3 ईयर परचेज भी दे रखी है, अरे भाई 3 ईयर परचेज दे रखी तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, जिसकी जरूरत है वही तो निकालोगे ना भाई, इसकी किस्मत जरूरत पड़ेगी गुडविल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे, दे रखा है नेम ऑफ अकाउंट टू बी ओपन व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, बेटा जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, आप सबको पता है बेटा जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वी प्रिपेयर ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल वी प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल के केस में हमें ये भी बनाना है, हमें ये भी बनाना है, देन आंसर विल बी बोथ ऑफ अकाउंट, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल कंपलसरी, ऑप्शनल है या कंपलसरी है, या 5 से ज़्यादा पार्टनर होंगे या 8 से ज़्यादा पार्टनर होंगे, भाई पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, हमने 11th के बिजनेस में भी समझा था, आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लो तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगी, आप केस कर सकते हो, आप पर केस किया जा सकता है, आप किसी पर केस कर सकते हो, थर्ड पार्टी पर केस कर सकते हो, और आप नहीं कराते तो आप इस तरह के एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कराओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका आंसर क्या होगा ऑप्शनल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो कुछ बच्चों ने बेटा इसका आंसर दे रखा है 6%, भाई वो रॉन्ग है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें पता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो सैलरी, कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा,
अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ प्रॉफिट अर्न इन 2019 इज 1 लाख इंक्लूडिंग 10,000 फॉर रिसीविंग फ्रॉम द इंश्योरेंस क्लेम। देखो भैया, हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, हमें इसमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कितना प्रॉफिट लिया जाएगा? बेटा, गुडविल निकालने के लिए हम प्रॉफिट लेते हैं वो वाला जो हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट होता है। अगर किसी और एक्टिविटी से मिला है तो उसे नहीं लेंगे बेटा। सिर्फ हम कौन सा लेंगे भाई? हमें लेना होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट, या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से मिला है। किसी और गतिविधि से, किसी और वजह से मिला है तो उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बता रखा है हमने जो प्रॉफिट अर्न किया वो था 1 लाख, जिसमें इंक्लूड है 10,000 रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। ये पैसा तो भैया इंश्योरेंस क्लेम से मिला है, इसे बोल सकते हैं एबनॉर्मल इनकम। हमें 1 लाख रुपये हमने कमाया था, लेकिन 10,000 इसमें कौन सा इंक्लूड था? जो हमें इंश्योरेंस से मिला। क्या इंश्योरेंस आपका बिजनेस होता? आप आग लगाकर हर साल पैसे रिसीव करते हो, ये तो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ना भाई। तो हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? हमने वैसे 1 लाख कमाया था, बट 1 लाख में से 10,000 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें इंश्योरेंस से रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम से आग लगने के बाद, ना कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट की वजह से था। एंड आपने कंपनसेशन भी पेड किया बेटा वर्कर्स को। वर्कर को कंपनसेशन पेड किया भाई, कितने हजार रुपये का? 30,000। एंड 30,000 पेड फॉर कंपनसेशन टू वर्कर्स। अब सोचो बेटा, क्या ये बिजनेस का लॉस है? हर साल आप कंपनसेशन पेड करते हो तो एबनॉर्मल हुआ ना बेटा। तो आपको करना क्या होता है? आपको हमेशा जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उन्हें माइनस कर देना है, और जो आपके एबनॉर्मल लॉसेज हैं, यानी कि जो रेगुलर बेसिस के लॉसेज नहीं है, हमेशा नहीं होते, उन एबनॉर्मल लॉसेज को क्या कर देना? वापस लाकर प्लस कर देना है। अगर आपको बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर दो और एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बिजनेस का प्रॉफिट बनता है भाई आपके पास 1,20,000 रुपये। एक्चुअल जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 1,20,000 रुपये। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं भाई। 17 पर क्या लिखा है भाई? 17 क्वेश्चन के अंदर लिखा है ओल्ड रेशियो ए एंड बी इज 4:6, न्यू रेशियो 6:4, जनरल रिजर्व 10,000 का दे रखा, 1 लाख का दे रखा है, विच वन इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट होगा? आप सभी को पता है बेटा, फोर्थ चैप्टर के अंदर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर? गेन और सेक्रीफाइस। चूंकि समय नहीं है बेटा, मैं थोड़ा फास्ट करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले आप गेन और सेक्रीफाइस निकालोगे, तो अगर आप ए और बी का निकालोगे तो ए का पहले 4 था, अब हो गया 6, यानी कि ए ने एक तरह से गेन किया होगा बेटा 2/10 का। ए का क्या आएगा भाई? गेन 2/10। जब आप माइनस करोगे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो, तो ए का गेन आ जाएगा और बी का आएगा आपके पास सेक्रीफाइस। बी का पहले 6 रेशियो था, 4 हो गया बेटा, तो 2/10 का इसने क्या किया भाई? सेक्रीफाइस। और आप सभी को जनरल एंट्री पता है। जनरल एंट्री क्या होती है बेटा? जो पार्टनर गेन करता है वो होता है डेबिट, उसके अकाउंट से पैसा डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस करता है बच्चे वो क्या होता है भाई? क्रेडिट। तो बी ने क्या किया, ए ने क्या किया गेन, तो ए का तो भाई अकाउंट से पैसा काटना पड़ेगा, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या होगा भाई? डेबिट। 2 में क्या लिखोगे आप? बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? जितना इन्होंने गेन और सेक्रीफाइस किया है। टोटल रिजर्व रखा 1 लाख, 1 लाख का 2/10, 20,000। ठीक है भाई, तो 20,000 से क्या होगी भाई? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, बी ए कैपिटल अकाउंट आपके पास क्रिएट होगी। कितने पैसे से क्रिएट होगी भाई? 20,000 रुपये से। कितने से क्रिएट होगी बेटा? 20,000 रुपये। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है 20 क्रेडिट 20,000। बाकी एक बार अगर आपको समझ नहीं आता, आप ये भी सोच सकते थे भाई इसे क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, जबकि वो वाले आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे नहीं। इसका मतलब वो आंसर तो आपके पास है नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या लिखा था? इफ पार्टनर नेवर वॉन्ट टू शो जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट देन इट डिवाइडेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। नहीं बेटा, अगर वो डिवाइड नहीं किया जाता सेक्रीफाइस रेशियो में, तब करते हैं बेटा जब हमें एडजस्ट करना हो, एडजस्ट करना हो
तब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आता है। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड करनी है तो याद रखना बेटा, चैप्टर नंबर फोर्थ में कुछ भी डिवाइड करना है, चैप्टर 4, 5, 6 किसी भी चैप्टर में कुछ भी डिवाइड करना है तो हमेशा उसे ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। आपको मन में याद रख लेना है बेटा कि कुछ भी अगर डिवाइड करना है तो हमेशा इन ओल्ड रेशियो, ना कि सेक्रीफाइस रेशियो और ना ही न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में बेटा डिवाइड किया जाता है हमेशा अगर न्यू फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, बस ओनली वन चीज़। न्यू रेशियो में क्या डिवाइड करते हैं बेटा, आपको मन में याद रख लेना, न्यू रेशियो में सिर्फ डिवाइड करते हैं न्यू फर्म का प्रॉफिट, न्यू फर्म का प्रॉफिट, वो भी एडमिशन वगैरह के अंदर। अदरवाइज सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, इफ गुडविल इज 60,000, गुडविल इज 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,000, देन एवरेज प्रॉफिट विल बी, बताओ एवरेज प्रॉफिट पूछा है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम गुडविल से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है भाई गुडविल बराबर क्या होती है, गुडविल बराबर होती है भाई आपके पास सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो होती है बेटा। गुडविल हमें कितनी दे रखी है, 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये 3 हो गया बेटा। अब 60,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम ऊपर पहुंच गए बेटा, सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया भाई, 20,000। बात को समझ रहे हो बेटा, गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हमें गुडविल देखी 60,000 रुपये, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, इससे से डिवाइड करोगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। और अब लगा दो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो था सुपर प्रॉफिट बराबर बेटा। और सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है क्वेश्चन में कितना, सुपर प्रॉफिट 20,000, 20,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितने रखा 10,000। इधर ये माइनस 10,000, इधर आकर प्लस का 10,000 हो जाएगा, तो 20 + 10 यानी कि 30,000, ये आपका आंसर था बेटा, ये गलत है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अ ड्राइंग ए ड्राइंग 10,000, बी इज ड्राइंग 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, नेट प्रॉफिट 20,000, देन डिविजुअल प्रॉफिट शुड बी। आप सभी को पता है आप बनाते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबको पता है बेटा इतना, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो भाई, नेट प्रॉफिट, ऐसे तो लिखते हो ना बेटा, सभी को आता है निकालना। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो बेटा, यहाँ पर आप लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है और तो कुछ नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे, जो आएगा आंसर वही डिविजुअल प्रॉफिट बन जाएगा, या नहीं बेटा, बाकी कुछ तो देना नहीं है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, ना पार्टनर को सैलरी देनी है, बस क्या है, नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में आपको क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा, डिविजुअल प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट तो हमें पता है बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना है नेट प्रॉफिट, देखो ध्यान से 20,000 था, इस 20,000 में अगर मैं दोनों पार्टनर की क्या जोड़ दूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, डिविजुअल प्रॉफिट। तो दोनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं भाई हम लोग, पहला पार्टनर है जिसकी ड्राइंग दे रखी 10,000, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं बेटा, 10,000 रुपये का कितना परसेंट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। और मेरे बच्चे आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, हमने बहुत बार क्वेश्चन किए हैं, सभी को रटा होना चाहिए भाई कि जब डेट गिवन नहीं होती, जब डेट गिवन नहीं होती है तो ऐसे केस में, जब डेट गिवन नहीं होती है तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बेटा आपके पास सिर्फ 500 रुपये, सेम एज आप बी का निकालोगे, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी की ड्राइंग थी 20,000 रुपये, बी की ड्राइंग थी भाई 20,000 रुपये, तो 20,000 का आप निकालोगे 10% और वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए, तो इसका आ जाएगा 1,000 रुपये। तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी बेटा, 500 + 1,000 यानी कि 1,500 रुपये। आपको करना क्या है, आपको निकालना डिविजुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 20,000 है, इस 20,000 में क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दो, 5 + ये 1,500 रुपये, ठीक है। आपके पास कितना आ गया डिविजुअल प्रॉफिट,
21,500 तो बच्चों ने कर रखे हैं आंसर, लेकिन 23,000 दे रखा है। जो आप भूल गए कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा 10% पर एनम, और ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती मेरे बच्चे, पेपर में गलती कर कराओगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे महीने पूरे साल का निकाल दोगे। याद रखना है भाई, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है, अलग से मेंशन ना हो क्लियर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालेंगे बेटा, हमेशा 6 मंथ का निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 और आपके बुक का सॉल्यूशन। तो बाकी करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, इसे ज़रा ध्यान से एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा। ठीक है बच्चे।